वाराणसी में 1 जून को मतदान संपन्न होने के बाद बीती देर रात तक पहाड़िया मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करने का सिलसिला जारी रहा। ईवीएम के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। आंतरिक सुरक्षा घेरे में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी दी गई। सुरक्षा का दूसरा घेरा पीएससी और आर्म्ड पुलिस के जवानों का है, जबकि तीसरा और बाहरी सुरक्षा घेरा 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का है। तीनों सुरक्षा घेरे में तैनात रहे जवानों की ड्यूटी 8-8 घंटे की रहेगी। पुलिसकर्मियों की निगरानी के लिए 3 डिप्टी एसपी की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग के लिए सीसी कैमरे की मदद ली जा रही। इस संबंध में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि स्ट्रांग रूम की निगरानी में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। स्ट्रांग रूम की तरफ कोई भी नहीं जा सकेगा। मतदान के बाद सभी ईवीएम को पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम में रखा गया। इसी के साथ ही सभी पार्टियों के नेता ईवीएम की निगरानी में जुट गए। सपा और कांग्रेस के नेता मतगणना होने तक यानी कि 4 जून तक लगातार वहीं पर ड्यूटी देंगे। जो भी करते जाए उसको बोला करते जाए।